अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो है एच पी लेज़र जेट 200 कलर MFP 276NW के बारे में। इसके अंदर आपको USB की ऑप्शन मिलती है, एक ट्रे मिलती है। ये देखें क्विक रिव, ये इसकी ट्रे है। यहाँ पे आप पेपर लगाते हैं। ये इसकी पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा ये मशीन की कंडीशन है। ये मशीन का RADF है जो A4 साइज़ है, फ्लैट बेड। और ये इसका पैनल है जो मूवेबल है। इसके अलावा ये इसकी मशीन की कंडीशन है। ये देखें, ये इसका RADF है। इसकी वर्किंग वगैरह ईच एंड एवरी थिंग आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसके नीचे पावर केबल लगती है। ये इसका बैक कवर होता है। अगर आपका डुप्लेक्स का ये पेपर फंसता है तो वो यहाँ पे फंसता है, ये देखें। और यहाँ पे ये इसका फॉर्मेटर कार्ड होता है। ये इसकी इथरनेट है और ये इसकी USB केबल का पॉइंट। इसके अलावा ये इसकी दूसरी साइड है। तो ये इसका पैनल है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इसे, इसका यूजेज पेज प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, यूजेज पेज प्रिंट करने के लिए आपने होम पे जाना है। होम पे आने के बाद ये सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद रिपोर्ट्स में यहाँ पे डेमो पेज आएगा, इस पर क्लिक करना है, डेमो पेज प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सप्लाई स्टेटस पेज निकालना है तो इधर जाके रिपोर्ट्स में जाके आपने ये सप्लाई स्टेटस पेज इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपका सप्लाई स्टेटस पेज प्रिंट हो जाएगा। मशीन नीचे से पेपर पिक करेगी और यहाँ पर आपका ऊपर पेपर निकाल देगी। ये देखिए, ये इसका डेमो पेज है और ये इसका सप्लाई स्टेटस पेज है 100%। इसी तरह अगर आपने इसकी कॉपी करनी है डेमो पेज की RADF से, आपके पास ज़्यादा पेपर्स हैं तो आपने सिंपली RADF में डॉक्यूमेंट लगाना है और इसके अंदर इधर आना है होम पे। होम पे आने के बाद आपने कॉपी में आना है। कॉपी में आने के बाद यहाँ से आपने उसे बताना है कि आपने कलर करनी है ब्लैक करनी है। हम कलर करते हैं, कलर को दबा देना। ये देखें, ये ऊपर से स्कैन करेगी डॉक्यूमेंट और नीचे से आपको कॉपी कर देगी। ये देखें, रेडी है। अभी आपकी कॉपी नीचे से आ जाएगी। ये देखें, ये इसकी कॉपी आएगी। ये देखें, ये इसकी कॉपी है और ये इसका ओरिजिनल है, दोनों सेम है। और अगर आपने इसका टोनर रिप्लेस करना है तो टोनर रिप्लेस करने के लिए फ्रंट कवर खोलना। ये देखिए, इसमें 131A का कार्ट्रिज का टोनर सेट लगता है। ये देखें, ये इसका सेट है और ये इसकी अंदर से कंडीशन। तो ये आपकी मशीन है, ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, ये इसका सप्लाई स्टेटस पेज है। अब मैं आपको इसकी यूजेज पेज निकाल के दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स में जाएंगे आप। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपने नीचे आना, ये यूजेज पेज है, प्रिंटिंग रिपोर्ट यूजेज पेज के मशीन कितनी चली हुई है, कितने प्रिंट इसमें से निकले हुए हैं। साउथ रैपिंग रोल लाना, रैपिंग रोल। ये देखें जी, ये इसका यूजेज पेज है। टोटल इसने भी 16,000 पेजेस जो है वो प्रिंट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट निकालेंगे तो उस पर इसका सीरियल नंबर आ जाएगा। ये देखें, USB फ्लैश ड्राइव से इस पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं और स्कैनिंग भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें आपका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। और इसका वाईफाई सेटअप इजी है बिल्कुल। HP 1102 की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर जो है आपको इसका सेटअप मिल जाएगा कि आपने इसको कैसे वाईफाई से कंट्रोल करना है। देखें जी, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट है। इसमें सीरियल नंबर, ईच एंड एवरी थिंग, फॉर्मेटर, कार्ड नंबर, सारी चीज़ें मैंशन है। तो इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मशीनें पड़ी हुई हैं। जिस भी भाई को चाहिए वो हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पर रब्ता करें।